नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की। कर्नाटक के बेलगावी में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहा वायनाड में पीएफआई की मदद ले रही कांग्रेस। अयोध्या पहुंची स्मृति ईरानी, रामलला के किए दर्शन पूजन, आशीर्वाद भी लिया। लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस को बड़ा झटका, अरविंदर सिंह लवली का दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा। आयुष्मान लाभ विस्तार अभियान में शामिल हुए मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव, लाभार्थियों से भी की मुलाकात। 30 अप्रैल को बाहरी मणिपुर के 6 मतदान केंद्रों पर फिर से होगी वोटिंग, चुनाव आयोग ने जारी किया निर्देश। महादेव सट्टेबाजी ऐप मामले में मुंबई पुलिस का बड़ा एक्शन, पुलिस ने एक्टर साहिल खान को किया गिरफ्तार। अमित शाह ने एटा में जनसभा को किया संबोधित, कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। ईडी ने आप विधायक अमानतुल्ला खान को फिर भेजा समन, 29 अप्रैल को पेश होने का आदेश। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने किया चुनाव प्रचार, हैदराबाद लोकसभा सीट से है पार्टी के उम्मीदवार। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस सांसद सुरजेवाला के साथ कई नेताओं ने बेंगलुरु विधानसभा में केंद्र सरकार के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन, सूखा राहत के लिए फंड जारी करने की मांग। लखनऊ के गोमती नगर में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप, 2 आरोपी गिरफ्तार। कोलकाता में महिला बीजेपी नेता पर हमला, अस्पताल में भर्ती टीएमसी कार्यकर्ता पर लगा आरोप। उत्तराखंड के जंगलों में लगी भीषण आग, इलाके में बढ़ा खतरा। जम्मू कश्मीर में बर्फ का सैलाब, सीमा सड़क संगठन ने बर्फबारी में फंसे 35 वाहनों को बचाया। पूर्णागिरी धाम मेले में उत्तराखंड के सीएम धामी, व्यवस्थाओं के संबंध में की समीक्षा बैठक। मथुरा के डंपिंग प्लांट में लगी भीषण आग, आग लगने से मचा हड़कंप। अलीगढ़ में पोलिंग बूथ पर ईवीएम में मतदान करने का वीडियो आया सामने, दंपत्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज। बरेली में ग्रामीणों ने चुनाव का किया बहिष्कार, गांव में सड़क न बनने से है परेशान। मेरठ में अमूल की एजेंसी में कुंबल करके चोरी की वारदात, दुकान में रखा कैश और सामान सहित 10 लाख की चोरी। बुलंदशहर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, लूट के लिए 2 कत्ल करने वाले आरोपी गिरफ्तार। अलीगढ़ में पुलिस मुठभेड़ में 25,000 का इनामी गिरफ्तार, लंबे समय से फरार था आरोपी। रांची में कांग्रेस के द्वारा चलाया जा रहा अभियान, अभियान का नाम दिया गया आ अब लौट चले। सामने आई सोढ़ी के लास्ट लोकेशन, एटीएम से निकाले 7,000, फिर गायब हो गए गुरुचरण सिंह। ऋषभ पंत ने बीच मैदान पर की पतंगबाजी, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। सैमसन जुरेल ने लखनऊ की उम्मीदों पर फेरा पानी, जीत के साथ राजस्थान की बादशाहत बरकरार। आज की 25 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।